बगल में ठीक आप एक स्नाइपर बंदूक देख रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन है 7.62x51mm स्नाइपर MK1। ये स्नाइपर तो समझ में आ रहा है, MK1 क्या है? ये मार्क वन है एक्चुअली, जो 7.62x51 स्नाइपर है दैट इज़ ऑलरेडी इन प्रोडक्शन एंड गिवन टू CAPF यूनिट्स एंड MHA यूनिट्स एंड स्टेट पुलिसेस। देन आफ्टर द नीड ऑफ दिस वेपन रिक्वायर्स बिकॉज इन अर्लियर वर्जन द चीक रेस्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज बॉटम एट द बॉटम ऑफ द स्टॉक बट विच हैज़ बीन एडजस्टेड टू एट द साइड ऑफ द स्टॉक बट विथ ए रैचेट मैकेनिज्म। देन आफ्टर द ये जो ग्रिप ऑफ दिस वेपन इज ऑल्सो चेंज टू ambidextrous सो दैट both hand person can fire this weapon. And मतलब आपको दाएं हाथ से आप काम करते हैं बाएं हाथ से काम करते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसे ऐसा बना दिया गया है कि दोनों हाथ से इस्तेमाल करने वाले आदमी के लिए बंदूक जो है वो बिल्कुल फिट टू हिट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो इस्तेमाल में ला रही हैं, MHA को भी दिया गया है और आगे भी तैयारी है दूसरे फोर्सेस को इसको उपलब्ध कराने के लिए। जी। इसकी मारक क्षमता की अगर इसकी रेंज, एक्चुअली इसका वेट है 5 kg, रेंज है 800 meters, 1 MOA एक्यूरेसी मीन्स 1 MOA से हमारा मतलब है कि 100 यार्ड पे 1 inch के सर्कल के अंदर ये गोली मारता है, 5 में 5 राउंड। तो ये एक बहुत ही एक्यूरेट वेपन है और ये 1 MOA जैसे रेंज बढ़ती है 200 मीटर पे मतलब 200 यार्ड पे 2 इंच के सर्कल पे, 300 यार्ड पे 300, तो 800 यार्ड तक ये 1 MOA की एक्यूरेसी में गोलियां मारता है ये हथियार। और इसका ट्रायल भी नॉर्दर्न कमांड में हुआ है और इसका सेना भी इंटरेस्टेड है। Okay. तो एक इस हमने बात कर ली एक बंदूक की, एक और आपको हम स्नाइपर बंदूक दिखाते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त विशालकाय बंदूक है और ये ठीक मैं आपको दिखाऊंगा अपने पीछे कि जिस तरीके से ये अभूतपूर्व बंदूक आप देख रहे हैं मेरे सामने। और इस बंदूक का नाम है स्नाइपर 8.6x70mm, यानी कि ये पहले दूसरे के मुकाबले ये और भी ज़्यादा घातक है उसके मुकाबले। एक्चुअली जो हमारी 7.62x51mm है उसकी रेंज 800 मीटर है, ये स्नाइपर की रेंज मोर देन 1200 मीटर है और इंडियन आर्मी जो ये जो स्नाइपर है 0.338 लपुआ मैग्नम एमिनेशन यूज़ करती है और इंडियन आर्मी ने इसके लिए RFP भी फ्लोट किया था। और ये जो वेपन है अभी RFI में राइफल फैक्ट्री ईशापुर में अंडर डेवलपमेंट है, इसके प्रोटोटाइप इंटरनल ट्रायल्स हो रहे हैं और कुछ समय में ये फुल्ली डेवलप्ड वेपन होकर भारतीय सेनाओं को उपलब्ध हो जाएगी। इसके फायर पावर की बात करें, रेंज एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी और रेंज 1200, इफेक्टिव रेंज 1200 मीटर और जो एक्यूरेसी है वो 1 MOA है और फायर पावर ये मैनुअल बोल्ट एक्शन है, एक्चुअल मैनुअल बोल्ट एक्शन गन है, इसमें रेट ऑफ फायर नहीं आएगा बिकॉज हमको एक एक करके गोलियां लोड करनी है। मैगजीन से 5 राउंड कैपेसिटी की मैगजीन है, इसका वेट 8 kg है विथ बाईपॉड एंड टेलीस्कोप। बिल्कुल बंदूक ऐसी सटीक है कि एक बार में एक गोली डालिए और एक दुश्मन को ढेर कर दीजिए, शूट टू किल। बिल्कुल। और कुछ इसी तरीके से ये जो घातक बंदूक है इसे अब सेना अक्वायर करने की तैयारी कर रही है, उम्मीद करते हैं कि सेना के हाथों में जब ये बंदूक जाएगी तो दुश्मनों के खेमे में त्राहिमाम मचना तय है।